क्या होने वाली है फिल्म R4 से जुड़ी खास बातें और क्या फिल्म की रिलीज डेट आगे कर दी जाएगी, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज़। मैं ज़ैनी शाहनवाज़ आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म R4 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के सबसे बड़े सवाल का जवाब मैं आप सभी को दे देती हूँ कि आखिर फिल्म R4 क्या सच में फिल्म RRR का सीक्वल है? जी हाँ दोस्तों, फिल्म R4 अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज पीरियड ड्रामा फिल्म RRR यानी कि RRR का ही सीक्वल है। जी हाँ, फिल्म RRR डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई एक तेलुगु लैंग्वेज पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। ये फिल्म इस साल 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। आप सभी को बता दूं कि फिल्म R4 को फिल्म RRR के रिलीज करते ही रिलीज के लिए रेडी कर दिया जाएगा, यानी कि फिल्म RRR और R4 साइमल्टेनियसली रिलीज की जाएंगी। तो दोस्तों, फिल्म R4 को जानने से पहले आप सभी को फिल्म RRR को जानना जरूरी है, तो चलिए आइए मैं आप सभी को फिल्म RRR के बारे में बता देती हूँ। आप सभी को बता दूं कि फिल्म RRR में हम सभी को एंशियंट इंडिया दिखाया जाएगा और इस फिल्म में दो फ्रीडम फाइटर्स यानी कि अलूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम, इन दो फ्रीडम फाइटर्स की ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निजाम्स के साथ जंग दिखाई जाएगी। फिल्म में अलूरी सीतारामा राजू के किरदार में हमें रामचरण नजर आएंगे, वहीं कोमाराम भीम का किरदार निभाते हुए हमें रामा राव नजर आएंगे। ये दोनों टॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं और इन दोनों को इस फिल्म में देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब बात करी जाए फिल्म की खास बातों की, तो सबसे खास बात है फिल्म के टाइटल में छुपे तीन नाम। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के टाइटल में छुपे हैं तीन लोगों के नाम, जो है फिल्म के डायरेक्टर राजामौली का नाम और साथ साथ फिल्म के दो मेन लीड्स यानी कि रामचरण और रामा राव का नाम। इन तीनों के नाम के इनिशियल से ही जोड़कर बनाया गया है फिल्म का नाम RRR। आप सभी को बता दूं कि पहले फिल्म RRR सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन फिल्म की लोकप्रियता देखने के बाद इस फिल्म को बहुत सारी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें से फिल्म का हिंदी रीमेक भी आएगा। तो फिल्म के हिंदी रीमेक के अकॉर्डिंग फिल्म के नाम का मतलब होता है राइज रोर एंड रिवोल्ट। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात की ओर ले चलती हूँ, जो कि है कि फिल्म में आपको ना सिर्फ टॉलीवुड के सितारे बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में आप सभी को नजर आएंगे आलिया भट्ट, अजय देवगन, रे स्टीवनसन और एलिसन डूडी। जी हाँ, जहाँ आलिया भट्ट और अजय देवगन बॉलीवुड में सबको अपना दीवाना बना चुके हैं, बॉलीवुड में सबको अपना फ़ैन बना चुके हैं, वहीं टॉलीवुड में अपना तेलुगु डेब्यू करने के लिए ये दोनों पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। और बात करी जाए रे स्टीवनसन और एलिसन डूडी की, तो वो दोनों तो इस फिल्म को करने के लिए खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म के ज़रिए ये चारों एक्टर्स अपना तेलुगु डेब्यू करने वाले हैं। अब बात करी जाए फिल्म R4 की, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि फिल्म R4 डायरेक्टर SS राजामौली ही डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में हमें वापस से अजय देवगन काफी अहम कैमियो करते हुए नजर आएंगे। अब बात करी जाए फिल्म R4 की कहानी की, तो मेकर्स का मानना है कि वो फिल्म RRR की कहानी के ही आगे इस फिल्म को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि दोनों फिल्मों में एक लिंक दिखाया जाने वाला है। अब दोस्तों, बात करी जाए फिल्म R4 की रिलीज की, तो अभी तक तो फिल्म R4 को फिल्म RRR के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन हाल ही में तेलुगु बोर्ड ऑफ कॉमर्स ने एक नई गाइडलाइन निकाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस महामारी के चलते शूट करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इसी वजह से तेलुगु बोर्ड ऑफ कॉमर्स की एक नई गाइडलाइन आई है, जिसका कहना है कि फिल्म के मेकर्स 50 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स के साथ फिल्म को शूट नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म RRR के मेकर्स का मानना है कि उन्हें 50 से ज़्यादा लोग चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने फिल्म के शूट को रद्द कर दिया है। तो क्या फिल्म RRR की रिलीज डेट में फ़र्क पड़ने की वजह से फिल्म R4 की रिलीज डेट को भी फ़र्क पड़ सकता है? तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं ज़ैनी शाहनवाज़ लेती हूँ आप सभी से विदा।